दोस्तों अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को महान कप्तान मानते हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों आईपीएल के पहले मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच मुकाबले में दिनेश कार्तिक अनुज रावत ने पहले अपनी टीम की बचाई लाज, लेकिन दोस्तों जब चेन्नई सुपर किंग्स के ऊपर गिरी गाज तब अंतिम ओवर में ले जाकर ऐसे पलटा गया हारा हुआ मुकाबला कि देखकर पूरा भारत देश रह गया हैरान। तो दोस्तों आखिरकार अंतिम ओवर का पूरा रोमांच आपको वीडियो में दिखाएंगे, जहां महेंद्र सिंह धोनी भी बिल्कुल शॉक में आ गए ऐसा रोमांचक मैच देखकर। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली में से कौन अच्छा बल्लेबाज है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों जैसा कि आप सभी तो जानते हैं कि आरसीबी और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच आईपीएल 2024 का पहला मुकाबला खेला गया, जहां इस मैच में आरसीबी के कप्तान फाफ डु प्लेसिस ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। लेकिन दोस्तों शुरुआत तो काफी अच्छी आरसीबी को मिल गई थी, हालांकि जब फाफ डु प्लेसिस का विकेट गिरा उसके बाद थोड़ा मैच फंसता हुआ तो नजर आया। लेकिन दोस्तों फिर अंत में अनुज रावत और दिनेश कार्तिक ने मिलकर जिस तरह से मैच में रोमांच पैदा कर दिया वह तो देखकर ही बनता है। हुआ ये कि जब विराट कोहली और फाफ डु प्लेसिस उतरे थे तो यहाँ पर 21 रन बनाकर कोहली आउट हुए थे, तो फाफ डु प्लेसिस ने भी 35 रन की पारी खेली थी। हालांकि इनके आउट हो जाने के बाद रजत पाटीदार बिना अपना खाता खोले ही 0 पर आउट हो गए, तो वहीं ग्लेन मैक्सवेल का विकेट भी पहली ही गेंद पर चलता बना। और दोस्तों ये चार बड़े झटके जब आरसीबी को लगे थे तब आरसीबी का स्कोर महज 77 रन पर था, और फिर क्या था, यहाँ पर ऐसा लगने लगा था कि चेन्नई सुपर किंग्स ने वापसी कर ली है और इस मैच में अब आसानी से चेन्नई की जीत होगी, क्योंकि आरसीबी की टीम तो यहाँ 150 रन के करीब भी नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन यहाँ पर हम सब गलत निकले, क्योंकि कैमरोन ग्रीन ने जो 18 रन की पारी खेली वहां से मैच पूरा पलटता हुआ नजर आया। भले वो मुस्तफिजुर रहमान के हाथों बोल्ड आउट हो गए, लेकिन फिर अनुज रावत और दिनेश कार्तिक ने मिलकर स्कोर को आगे बढ़ाया, जहां अनुज रावत ने 48 रन बनाए तो वहीं दिनेश कार्तिक ने आरसीबी के लिए 38 रन बनाकर 173 रन पर पहुंचाया उनकी टीम को। और फिर क्या था, यहां पर 174 रन का लक्ष्य चेन्नई सुपर किंग्स के आगे था, और कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ बखूबी जानते थे अगर ये मुकाबला जीतना है तो पहली ही गेंद से शॉट बरसाने शुरू करने होंगे, तभी कुछ हो पाएगा। और फिर यहां पर ऋतुराज गायकवाड़ और रचिन रविंद्र ने मिलकर पूरा मैच पलट कर रख दिया। दोनों बल्लेबाजों ने देखते ही देखते यहां स्कोर को काफी तेजी से आगे बढ़ाया और चेन्नई सुपर किंग ने पहले विकेट के लिए यहां 38 रन भी जोड़ लिए थे। लेकिन दोस्तों किसी को क्या ही पता था कि कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ जो कि 3 चौकों की मदद से 15 रन बनाकर खेल रहे हैं, यश दयाल उनको ही कैमरोन ग्रीन के हाथों कैच आउट करवा देंगे। और ऋतुराज गायकवाड़ का जैसे ही विकेट गिरा यहां पर चेन्नई सुपर किंग्स की पारी थोड़ी लड़खड़ाती हुई नजर आ रही थी। अब दोस्तों आईपीएल का मैच है, रोमांच बनना तो जरूरी था ही, और यहां पर फिर क्या था, रचिन रविंद्र ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। और आपको जानकर हैरानी होगी कि 246 के स्ट्राइक रेट से वो बल्लेबाजी कर रहे थे और 15 गेंदों में 3 चौके 3 छक्कों की बदौलत उन्होंने 37 रन भी बटोर लिए। अब चेन्नई सुपर किंग्स के लिए जीतना बड़ा ही आसान लग रहा था, लेकिन दोस्तों तभी एंट्री हो जाती है बीच मैदान पर करण शर्मा की, जहां करण शर्मा ने रजत पाटीदार के हाथों रचिन रविंद्र को चलता किया। और दूसरा बड़ा झटका जब चेन्नई सुपर किंग्स को लगा तब 71 रन पर उनके 2 विकेट हो चुके थे। हालांकि अभी 10 ओवर का खेल भी पूरा नहीं हुआ था, चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को अभी जीतने के लिए 86 रन चाहिए थे। अब यहां से मैच पलटना तो तय था, अब या तो चेन्नई सुपर किंग्स के हित में मुकाबला जाता या फिर आरसीबी के हित में। यहां पर अजिंक्य रहाणे और डेरिल मिचेल ने कसम खा ली थी कि वो अपनी चेन्नई सुपर किंग्स को जिताए बिना मानेंगे नहीं, और यहां अजिंक्य रहाणे और डेरिल मिचेल ने मिलकर स्कोर को आगे बढ़ाना शुरू किया। देखते ही देखते यहां पर डेरिल मिचेल ने तो छक्कों की झड़ी लगा दी। यहां पर आरसीबी के कप्तान फाफ डु प्लेसिस और उनके साथ खड़े होकर विराट कोहली भी बस यही सोच रहे थे कि आखिरकार डेरिल मिचेल को कैसे अपने जाल में फंसाया जाए, क्योंकि दोस्तों वो तो जाल में फंसने के लिए तैयारी नहीं हो रहे थे। यहां पर यश दयाल, करण शर्मा जिनको एक एक विकेट भी मिल चुका था वो भी नतमस्तक इनके आगे नजर आए, और चेन्नई सुपर किंग्स इस मैच में मजबूत पकड़ बना सकी और मुकाबला अंतिम ओवर तक जा पहुंचा, जहां आप सभी अंतिम ओवर का पूरा वीडियो आप यहां पर देख भी सकते हो और स्कोर कार्ड आप सभी की स्क्रीन के आगे भी है। और दोस्तों इस मुकाबले में महेंद्र सिंह धोनी की टीम ने तो कमाल कर रख दिया। बाकी अब आप सभी क्या मानते हैं चेन्नई सुपर किंग्स और आरसीबी के बीच यह मुकाबला देख लेने के बाद, और आप किस टीम को 10 में से 10 नंबर देना चाहोगे? अपनी राय हमें जरूर बताइएगा।